लाल मिट्टी जो कि पौधों को ट्रांसप्लांट करते समय हम निकालते हैं, उसे कैसे यूज करना है, गमलों के लायक, पौधों के लायक कैसे बनाना है, तो इसमें क्या क्या मिलाएंगे हम, किस प्रोसेस से इसे निकालेंगे कि ये फिर से हमारे गमलों के लिए यूजफुल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल गार्डनिंग विद अभी में। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको आसानी से मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि ये मिट्टी जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये लाल मिट्टी है और आप सभी जो नर्सरी से पौधे खरीद कर लेके आते हैं तो मोस्टली इसी मिट्टी में आपको पौधे लगे हुए मिलते हैं। तो ये ज़रूरी होता है कि पौधे को ट्रांसप्लांट करने से पहले लाल मिट्टी हम उसकी रूट से अलग करें, और ज़्यादातर हम इस मिट्टी को फेंक देते हैं या फिर सही से यूज नहीं करते जिसकी वजह से पौधे हमारे ख़राब होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इसको लाल जो मिट्टी है, रेड सॉयल, इसे हम कैसे रेडी करें अपने पौधों को लगाने के लिए, यूज करने के लिए, बिल्कुल हमारे पौधों को लगाने के लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी इससे हम बना के रेडी करेंगे। तो वीडियो में आखिर तक बने रहेगा, कोई पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अब आइए हम मिट्टी को रेडी करते हैं। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कुछ चीज़ें जो इसमें मैं मिलाने वाला हूं जिससे ये मिट्टी हमारी रेडी होगी। तो ये आप देख पा रहे हैं, इन्हें स्टेप वाइज हम यूज करेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे। तो कैसे मिलाना है, क्या इसका रेशियो होगा, सब कुछ देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो आज का। तो ये देखिए दोस्तों, ये लाल मिट्टी है जो हमने गमले से निकाल रखी है और इसको हमने पूरे दिन की धूप में ऐसे ही छोड़ रखा था। पूरे दिन की धूप लगी है इस पर। धूप लगने के बाद ये स्टेरलाइज हो चुका है मिट्टी, और अब इस मिट्टी में हम और बाकी चीज़ें मिला के इसे अपने यूज के लायक बनाएंगे। तो देखिए इस मिट्टी को हमने ऐसे पलट लिया और इस मिट्टी में हम मिलाएंगे इसका आधा गुना, जितनी मिट्टी है उसका हाफ पोर्शन अपने गार्डन की नॉर्मल सॉयल, जिससे कि इस मिट्टी को हम अपने गार्डन की मिट्टी के बराबर उसके जैसी ही बना पाएं। इसके अलावा जितनी मिट्टी है उतनी ही हम कंपोस्ट ले लेंगे। कंपोस्ट आप कोई सी भी ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट, लीफ मोल्ड कंपोस्ट या किचन वेस्ट से बनाया हुआ कंपोस्ट। मैं चूंकि काउडंग कंपोस्ट ले रहा हूं, तो जितनी मात्रा में मिट्टी है उतनी ही मात्रा में हमने कंपोस्ट ले लिया है। और दोस्तों अब इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे राइस हस्क। राइस हस्क मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसकी डिटेल वीडियो भी चैनल पे अपलोड है। राइस हस्क के बहुत ही फायदे होते हैं, और जो मेन इसका काम है अभी फिलहाल इसमें, कि इसको जो लाल मिट्टी है वो काफ़ी ज़्यादा वो होती है, हार्ड होती है, तो उसे हम इसे इस राइस हस्क की मदद से भुरभुरी करेंगे और वाटर जो उसमें होल्ड हो जाता है, निकल नहीं पाता है, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम भी ये राइस हस्क काफ़ी अच्छा करेगा। आप चाहें तो इसकी बजाय कोकोपीट या सैंड, जो मोटी लाल वाली सैंड होती है, उसे यूज कर सकते हैं, पर मैं राइस हस्क को ज़्यादा प्रेफर करता हूं क्योंकि सैंड या कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, राइस हस्क में कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, तो ये मिट्टी के लिए और पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होता है। इसके अलावा हम इस मिट्टी में करीब करीब एक मुट्ठी के आसपास ले लेंगे राख, जो कोई किसी भी तरह की फंगस हो या कोई बीमारी हो उसके लिए ज़्यादा सही होता है। और फिर इसमें मिलाएंगे हम करीब एक से डेढ़ मुट्ठी बोन मील। इसको और ज़्यादा उपजाऊ बनाने के लिए बोन मील ज़रूरी है मिलाना। आप अगर बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप इसमें रॉक फास्फेट भी मिला सकते हैं। तो और फिर लास्ट में हम मिलाएंगे न्यूट्रिशन प्लस एंटी फंगल प्रॉपर्टी के लिए नीम खली, एक मुट्ठी हम इसमें नीम खली मिला लेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें मिलके हमने डाल दी हैं, अब इसको बहुत ही अच्छे से हमें एक दूसरे को आपस में मिलाना है। इन सबको आपस में मिला लेंगे, क्योंकि अगर ये अच्छे से मिलेंगे नहीं तो इन सभी चीज़ों को डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप देख के ध्यानपूर्वक काफ़ी अच्छे से इन्हें मिला लीजिए। और जो बड़े मिट्टी के ढीले बन जाते हैं टीले, उसको आप तोड़ लीजिए हाथों से। तो इस प्रकार देखिए ये मिट्टी हमारी दोस्तों रेडी हो गई है यूज करने के लिए। अब इसे आप किसी भी पॉट में भर लीजिए और इसका ड्रेनेज सिस्टम जो है आप पानी देंगे, पानी बिल्कुल भी मिट्टी में रुकेगा नहीं। और मैं एक बार फिर से आपको रेशियो क्लियर कर दूं, जितना भाग हमारा लाल मिट्टी है
उसका आधा भाग हम नॉर्मल गार्डन्स वाला अपने जो गार्डन में यूज कर रहे हैं उसको लेंगे। लाल मिट्टी की जितनी मात्रा है उतनी ही मात्रा हम इसमें कंपोस्ट लेंगे और लाल मिट्टी की मात्रा के बराबर ही हम इसमें राइस हस्क यूज कर रहे हैं। और उसके बाद हम एक मुट्ठी इसमें राख, डेढ़ मुट्ठी बोन मील और एक मुट्ठी नीम खली यूज कर रहे हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही अच्छी मिट्टी बनके तैयार हुई, इसे हम गमले में भर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा पॉट है और इस मिट्टी को हम इसमें भर के आपको दिखाएंगे वाटरिंग करके। पानी बिल्कुल भी इस मिट्टी में होल्ड नहीं होगा। दोस्तों ये मिट्टी गमला हमारा भर के रेडी हो गया है। इस गमले में, इस मिट्टी में आप किसी भी प्रकार का कोई भी पौधा लगा सकते हैं, चाहे वो सब्जी का हो, फूल का हो। ये लाल मिट्टी जो हमने गमले से निकाल रखी थी पूरी तरह से यूज करने के लायक हो चुकी है। अब मैं इसमें आप लोगों को वाटरिंग करके दिखाता हूँ। पानी इसमें बिल्कुल अच्छे से ड्रेन हो जाएगा, कहीं भी पानी रुकेगा नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, अब हम इसमें कर रहे हैं वाटरिंग और काफ़ी अच्छे से कर देंगे और आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी होल्ड नहीं होगा, अच्छे से ड्रेन होके निकल जाएगा। ये देखिए, पानी डालते ही सारा पानी नीचे चला गया है। तो ये मिट्टी की सबसे अच्छी पहचान होती है कि पानी ऊपर सतह पे रुका नहीं रहना चाहिए। पानी देखिए, सेकंड भी नहीं लगे, पानी पूरा नीचे ड्रेन हो गया। तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। जो रेड सॉयल हम पौधों से रिमूव करके फेंक देते हैं या फिर उनको सही से यूज नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। इस तरीके से अगर आप यूज करेंगे तो आपके सभी पौधे इस रेड सॉयल में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अगर कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।